Dear students, again welcome you in online classes of Mr. Patandu Maharaji. Students, previous class में कुछ result देखा गया था grade geometry से related, और उसमें grade exams के कुछ term भी आपको याद रखेंगे. Grade exams first, things which are equal to the same things are equal to one another. Things which are equal to the same things are equal to one another. Suppose that x equal to y, x equal to z, and y equal to z. इस condition में क्या कह सकते हैं? X equal to z. दो things हैं x और y, जो कि z के equal हैं. इस condition में x और z भी आपस में equal होंगे. Second point, if equals are added to equals, the whole are equals. x, suppose that x equal to y, दोनों साइड में z ऐड करना, x plus z equal to y plus z, इस कंडीशन में होल्स भी इक्वल होंगे. x y के इक्वल है, दोनों साइड में z कोई इक्वल टर्म ऐड कर दिया गया, जो होल्स वैल्यू है वो भी आपस में इक्वल ही होंगे. थर्ड, इफ इक्वल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इक्वल्स, द रिमाइंडर आर इक्वल, ये भी ध्यान रखेंगे. टू इक्वल टर्म है, हम दोनों साइड में इक्वल टर्म सब्ट्रैक्ट करें, जो रिमाइंडर जुदा हुआ है वो भी इक्वल होंगे. थिंग्स विच कंसाइड विथ वन अनादर आर इक्वल टू वन अनादर, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, होल जो होगा अपने पार्ट से ग्रेटर ही होगा. सपोज दैट ए बी होल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा, अगर इसमें एक पार्ट ए सी करना है, एक पार्ट सी डी करना, तो ए बी जो होगा ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ए बी इज ग्रेटर देन डी बी. इसे डिस्क्रिप्ट में आप इन सब पार्ट को प्यार रखेंगे. आइए कुछ रिजल्ट देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं. एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इन द गिवन फिगर इफ ए सी इक्वल टू बी डी, फिगर गिवन है ए बी सी डी, ए बी सी एंड डी, इफ ए सी इक्वल टू देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी या प्रूव करना. तो यहां पर देख सकते हैं ए सी इक्वल टू बी डी. अब इस कंडीशन में हमको फाइंड क्या करना है, ए बी, ए बी फाइंड करना है. तो ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी माइनस बी सी इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, क्या क्या गया, दोनों साइड में बी सी सपरेट कर लीजिए, इक्वल टू सपरेट किया गया बाय इक्विलिब्रियम एग्जाम से. अगर दोनों साइड इक्वल टू सपरेट करना है, तभी जो वैल्यू है वो भी आपस में इक्वल होंगे. अब यहां पर देख सकते हैं ए सी माइनस बी सी, इधर से देखते हैं ए सी माइनस बी सी, ए सी से बी सी अब सपरेट करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, केवल ए बी हो जाएगा. टोटल यहां तक था, उसमें से आप सबट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी. और ऐसे राइट हैंड साइड में बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी टोटल, या आप इसमें से बी सी को सबट्रैक्ट कर लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, सी डी. तो इसको आप लिख सकते हैं सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी करना था, यहां लिख सकते हैं बाई ग्रीन एग्जाम. एग्जाम्पल नंबर फोर, सॉल्व द इक्वेशन एक्स माइनस फाइव इक्वल टू फिफ्टीन, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू फिफ्टीन.
तो यहाँ पर देख यूनिट एग्जाम के कर रहे हैं, एक्स माइनस फाइव प्लस फाइव इक्वल टू फिफ्टीन प्लस फिफ्टीन, दो साइड में फाइव कट कर लिया गया बाय यूक्लिड एग्जाम। कोई इक्वल टर्म्स में दोनों साइड में कोई इक्वल टर्म ऐड किया जाए तो जो होल वैल्यू ऐड होगी आपस में इक्वल होंगे। अब माइनस फाइव प्लस फाइव कैंसिल हो जाएंगे यानी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर फाइव, एग्जाम्पल फाइव तो दैट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। क्या मिले कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, इस लाइन सेगमेंट पर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं तो करना है। तो इसमें क्या करेंगे, पॉइंट ए को सेंटर लेकर ए से बी तक का डिस्टेंस लेकर आप ऐसे आप लगा लेंगे, ऐसे बी को सेंटर लेकर बी से ए तक का डिस्टेंस लेकर आप आर्क लगाएंगे और जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है सपोज दैट पॉइंट सी है, सी को ए से ज्वाइन करना, सी को बी से ज्वाइन करना, यही आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसको कैसे आप लोग करेंगे, सिंस ए बी ए से बी तक का डिस्टेंस लेकर आप ऐसे आर्क लगाए हैं, आर्क लगाया तो वैल्यू क्या मिला, ए बी इक्वल टू ए सी एंड पुनः बी को सेंटर लेकर बी से ए तक का डिस्टेंस लेकर आर्क लगाया गया तो बी ए इक्वल टू बी सी, बी से ए तक का डिस्टेंस लेकर ऐसे आर्क लगाया तो जितना डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस ए बी होगा, बी ए इक्वल टू बी सी। बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी, इसको इक्वेशन टू करना। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड राम, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ए बी इक्वल टू, ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए बी इक्वल टू बी सी, तो इक्विटी एग्जाम सब क्या लिख सकते हैं, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी बी सी के इक्वल है, तो इस कंडीशन में ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी बाय इक्विटी एग्जाम। तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा, तीनों साइड से इक्वल है, थ्री साइड साइड इक्वल दैट इज थ्री साइड्स आर इक्वल, हेंस ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिससे थ्री साइड्स इक्वल है। इसमें ध्यान देने क्या किया गया, एक बार ए को सेंटर के अंदर ए से बी तक का डिस्टेंस लेकर आर्क लगाया गया और पुनः बी को सेंटर लेकर बी से ए तक का डिस्टेंस लेकर आर्क लगाया गया, दूसरे को पॉइंट सी पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सी को ए और सी को बी से ज्वाइन कर दिया गया। अब सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी डिस्टेंस लेकर आर्क लगाया है, पॉइंट सी मिला है, तो ए से बी तक का जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस ए से सी तक का होगा। अगेन बी को सेंटर लेकर बी से ए तक का डिस्टेंस लेकर आर्क लगाया तो बी ए इक्वल टू बी सी, बी ए को आप ए बी भी लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी सी। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिख रहे हैं, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, थ्री साइड्स इक्वल हो गए, देयरफॉर द गिवन ट्रायंगल।